दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्न और उत्तर, जो कि इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी सारे वीडियो हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको ही मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। ठीक है, तो आंसर है 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और खास बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। और इस ये है जो है 7 सांसदों वाली एक समूह था, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था लंदन में। ठीक है, अब यह जो कमीशन था, इसको काम करना था भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए क्या कुछ किया जाए, उसके लिए यह अध्ययन करना था इसको। और सिर्फ इस कमीशन में मात्र एक ही भारतीय थे और वो थे B.R. अंबेडकर, बाकी सभी जो थे अंग्रेज थे। इसीलिए इसे जो व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यह जो है साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अब पूरे देश में इसने जो है घूम घूम कर कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र, पंजाब, लाहौर, समस्त जो महत्वपूर्ण स्थान थे सभी जगह इसने गया और इन्होंने जो है यात्रा किया है। लेकिन सभी जगह इनको जो है काला जो है झंडा दिखाया गया, साथ में साइमन गो बैक का नारा भी इनको बताया गया, बोला गया, जिसके वजह से जो है ये फेमस भी हो गया था साइमन गो बैक उस समय। अब देखिए, मद्रास में हो रहा था कांग्रेस अधिवेशन, तो इसके विरोध का जो है निर्णय लिया गया था मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, और उसके बाद जो हुआ कि लखनऊ में जो है नेहरू को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इसका विरोध करने के कारण जो है घायल हो गए थे और गोविंद वल्लभ पंत जो है अपंग हो गए थे। इसके साथ ही 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर जो हमला हुआ था, उनके विरोध के वजह से उन पर जो लाठी से जो हमला हुआ था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बात थे इससे जुड़े हुए साइमन कमीशन से। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपके बनते हैं आपके, तो इन बातों को याद रखना है। अब आइए दूसरे नंबर, देखिए अभिनव भारत। ठीक है, तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो आंसर है B.D. सावरकर ने। ठीक है, B.D. सावरकर ने किया था। और देखिए, ये अभिनव भारत की जो स्थापना है B.D. सावरकर ने 1904 में किया था। ठीक है, और लेकिन 1904 में इन्होंने किया था जो है भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बाद में जब आज़ादी मिला और उसके बाद जब गणतंत्रता की स्थापना हुआ भारत में, तो उन्होंने जो है 1952 में जो है इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन वर्तमान में जो है 2006 में पुनः इस संगठन को, अभिनव भारत को जो है इसको पुनः जो है गठित किया गया है। और वर्तमान में 2008 से लेकर अभी तक जो है हिमानी सावरकर है इस संगठन के प्रमुख हैं, जो कि गोपाल गोडसे की बेटी हैं और नाथूराम गोडसे की भतीजी भी है। और एक जो साध्वी प्रज्ञा जो एक ब्लास्ट से जुड़ी हुई हैं, इस पार्टी इस संस्था की सदस्य भी हैं। अब देखिए सावरकर, अब यहाँ पर B.D. सावरकर बारे में कुछ जान लीजिए, खास इंपॉर्टेंट है। तो B.D. सावरकर जो है विनय दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम है। 1915 में इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो कि राजनीतिक पार्टी है, की स्थापना किया था। और ये इसके अध्यक्ष थे और भारतीय हिंदू महासभा के जो उपसभापति थे केशव बलराम हेडगेवार। ठीक है, तो ये उपसभापति थे। इन्होंने जो है 1925 में RSS की स्थापना किया था। ठीक है, तो RSS की स्थापना जो है केशव बलराम हेडगेवार ने किया था 1925 में। तो भाई नेक्स्ट देखिए, तो 3 नंबर में है बहिष्कृत। ठीक है, बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था? तो आंसर है, तो B.R. अंबेडकर ने इसको जो है स्थापित किया था। देखिए 1927 में बहिष्कृत भारत का गठन किया गया था। ठीक है, अब B.R. अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। जो स्थान था वो मध्य प्रदेश के महू में इनका जो है जन्म हुआ था।
बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। इनकी माता का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सखपाल, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था। अब देखिए ये अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थी, तो काफ़ी लंबा परिवार था इनका। अब देखिए इन्होंने जो है अपना नाम जो है अंबेडकर के बारे में जान लीजिए कि इनका नाम जो है बी आर अंबेडकर जो पड़ा हुआ, तो अंबेडकर ये नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो अंबेडकर जो है चूँकि ये बहुत निम्न जाति से थे, अछूत जाति से थे, इसीलिए इनके जो पिताजी ने जो है इनका नाम स्कूल में लिखवाते समय जो है एक गांव था रत्नागिरी में जो कि महाराष्ट्र में है, तो उस गांव का नाम था अंबड केकर, तो अंबाड वेकर नाम था, तो अंबाड वेकर जो नाम था उसी के नाम पर, चूँकि कोंकण में जो है जहाँ का जो वासी था रहता था उसी के गांव के नाम जो है उसके नाम था जोड़ दिया जाता था, तो उस गांव का नाम था अंबाड वेकर, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया, उपनाम जो है बी आर अम्बेडकर धीरे धीरे बदल गया है तो रख दिया गया था। अब देखिए ये जो है इनके पास जो है 32 डिग्रियां थी, तो 32 जो है डिग्री इन्होंने प्राप्त किया था। अब बहुत विद्वान थे कानून के मामले में, तो बहुत जानकार थे ये थे। भारत रत्न इनको जो मिला 1990 में मिला है, और राजनीतिक पार्टी इन्होंने कई किया है लेकिन एक है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, और भी इसके अलावा है उन्होंने किया है। अब जो है इनकी जो है मृत्यु जो हुई है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ है। और दोस्तों इनसे जुड़े हुए कुछ खास बात ये है कि ये जो है बौद्ध धर्म के जो है मानने वाले थे, बौद्ध धर्म में इन्होंने जो है अपना आपको जो है स्वीकार किया था, और इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो है महाराष्ट्र में बौद्ध लोगों को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था। तो जिस दिन ये इनका जो है बोधिसत्व हुआ था, यानी कि जब ये इनका देहांत हुआ था, तो उसी दिन में 10 लाख लोगों ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण किया था। और इसके पहले भी जो है बी आर अम्बेडकर ने कई बार जो है 3 लाख 2 लाख और 5 लाख इस तरह की आबादी को जो है बौद्ध धर्म में इन्होंने जो है परिवर्तित किया था। तो भाई नेक्स्ट देखिए, तो ये है 4 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, कि अध्यक्षता किसने किया था, तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए ये जो अधिवेशन हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में, ये 46वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और इस ठीक है, और विशेषता ये थी इस अधिवेशन की कि मौलिक अधिकारों की मांग को जो है किया गया था, इसी अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। तो इस बात के लिए इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकार की मांग किया गया था इस अधिवेशन में। उसके बाद देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू हैं, अमृत जो है रणछोड़ दास सेठ हैं, और श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता थी, इनके बारे में जान लीजिए, चूँकि कांग्रेस अधिवेशन से ये सब ये अध्यक्ष रह चुके हैं कई बार। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कई बार रहे हैं, लेकिन जो कुछ खास इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है इन आसपास में 1931 के आसपास में जो बने हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो जो 45वां अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुआ था 1929 में, अब बहुत महत्वपूर्ण था ये अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और यह इस अधिवेशन की विशेषता यह था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, और प्रत्येक इसी अधिवेशन में जो है प्रत्येक 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था, और इसी को जो है जो कि अब वर्तमान में 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर है, यहाँ अमृत रणछोड़ दास सेठ हैं, ये 1932 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि 47वां अधिवेशन था और दिल्ली में हुआ था के अध्यक्ष थे। उसके बाद श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता जो हैं, ये जो है 48वें अधिवेशन जो कि 1933 में हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षा थी, ठीक है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बात था जुड़ा हुआ। अब ये देखिए नेक्स्ट 5 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया है, तो आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर मैं बताता हूँ, तो यानी कि महात्मा गांधी के इर्द गिर्द है ये सब इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए 12 मार्च 1930 को मतलब महात्मा गांधी ने जो है 69 समर्थकों के साथ, कई कई 78 भी रहता है, के साथ साबरमती से जो है अहमदाबाद में जो है साबरमती से वहाँ का जो आश्रम था उनका महात्मा गांधी का, उन्होंने जो है 322 किलोमीटर के आसपास के दूरी जो तय किया था और डांडी पहुँच गए थे, ठीक है। और वहाँ पर जो है जो कि उन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया था, ठीक है, और ये 5 अप्रैल को उन्होंने पहुँचा था। उसके नेक्स्ट डे से यानी कि जो 6 अप्रैल 1930 से उन्होंने जो है
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर 8 मार्च है, तो 8 मार्च को, तो दोस्तों जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल को शुरू हुआ था, लेकिन इसके पहले जो है इसकी शुरुआत जो है कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, हुआ था कि गांधी जी ने जो है 79 समर्थकों के साथ, यानी कि 78 कहीं कहीं रहता लिखा हुआ, तो 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में, वहाँ से जो है उन्होंने शुरू किया था। 322 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी, और जब वो डांडी पहुँचे थे तो उन्होंने नमक जो है बनाकर कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। और नेक्स्ट डे यानी ये 5 अप्रैल को उन्होंने ऐसा किया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने एक्चुअली 5 या 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को भी एक ही है, आसपास में कई किताब में जो है बुक्स में आपको मिलेंगे अलग अलग, तो 6 अप्रैल को मान लीजिए कि गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था। ठीक है, तो इसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब हुआ था ये 8 मार्च, देखिए यहाँ पर 8 मार्च 1931 है, तो इस दिन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और इसके बाद जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को जो शुरू हुआ था उसको समाप्त किया गया था 8 मार्च 1931 को। तो दोस्तों 8 मार्च 1931 को जो है ठीक है, तो स्थगित कर दिया गया था सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन को, और गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ 7 सितंबर 1931 का जो है तारीख है वो इम्पोर्टेंट है, और यह जिस दिन जो है, तो 7 सितंबर 1931 को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इसमें जो है गांधी जी ने जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो भाग लिया था, हालांकि ये जो सम्मेलन जो था बैठक, ठीक है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो ये सफल नहीं हुआ था। तो भाई नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में कि राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। तो पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो पिता है, आध्यात्मिक पिता, तो ये तो किसने कहा था, तो जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है विवेकानंद को जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अब देखिए विवेकानंद के बारे में कुछ जान लीजिए, तो विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है, और विवेकानंद जो है 1 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये हैं उत्तर भारत के हिंदू लूथर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए दयानंद सरस्वती हैं, तो दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने जो 1875 में आर्य समाज संस्था का जो स्थापना किया था, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट बात था। अब देखिए नेक्स्ट है यंग, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के पहल मुख्य रूप से किसने किया था, तो आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो ने, इन्होंने किया था। अब देखिए ये यंग बंगाल आंदोलन जो है 1826 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के कुछ हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, तो इन्हीं के जो कुछ छात्र कुछ जो थे छात्र थे, और जो कि एक क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतक को का एक जो है ग्रुप था, और इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि घनश्याम दास बिरला या एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, तो देखिए घनश्याम दास बिरला जो है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, और जिसे कि गांधी जी ने जो स्थापित किया था, तो ये गांधी जी द्वारा जो स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो है संस्थापक अध्यक्ष थे ये घनश्याम दास बिरला। और एनी बेसेंट ने जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के अंदर ही जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था 1939 में। तो ये कुछ खास है इम्पोर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों 8 नंबर में कि 1897 में वे पहले राजनीतिज्ञ कौन थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, तो देखिए आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक पर चलाया गया था, तो पहले यही राजनीतिज्ञ थे जिन पर जो है कि जो है इन जो है किन्हीं को जो कारावास जो मिला था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ही हैं। और देखिए हुआ था ये कि महाराष्ट्र में 1893 से 1897 के बीच में जो है प्लेग फैल गया था, और उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है ऐसी स्थिति में भी दमन का जो है कार्य किया,
तो हुआ परिणाम यह हुआ कि 22 जून 1897 को जो है प्लेग कमिश्नर थे आर्मस्ट, तो आर्मस्ट को गोली मार कर हत्या कर दिया गया। इस हत्याकांड में जो है दामोदर चापेकर जो है उनको जो है पकड़कर मृत्युदंड दिया गया था। और ठीक है, तिलक को भी विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 महीने का जो है कारावास की सजा दिया गया। तो एक्चुअली उन पे भी चला था इस तरह का, लेकिन एग्जैक्ट जो राजद्रोह का मुकदमा चला था तो वो चला था बाद में 24 जून 1908 को, केसरी में प्रकाशित हुआ था एक लेख। उस लेख के आधार पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 6 वर्ष का जो है कारावास दिया गया था। तो ठीक है, तिलक को मिला था ये 6 वर्ष का कारावास। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है कि भारतीय संतोष का जनक इनको मतलब उपाधि दिया था वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का प्रयास किया केसरी के माध्यम से। एक और पत्रिका इनका है द मराठा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब आइए नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था, तो पवनार में हुआ था ये। ठीक है, पवनार में हुआ था। तो 9 नंबर में है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था, तो आंसर है पवनार। ठीक है, पवनार में जो है ये गांधी जी ने जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे भी सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये वर्धा अधिवेशन में पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुआ था, और 8 अगस्त 1942 को जो है इसको कांग्रेस की कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 9 अगस्त जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। हालांकि उनको जो है 9 अगस्त के सुबह ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और पूना के आगा खां महल में इनको जो है रखा गया था। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो 11 नंबर में किस प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है मुस्लिम ने किस प्रसिद्ध मुस्लिम नेता को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है, तो आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया है। अब आइए नेक्स्ट 12 नंबर में देखिए, तो 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उस जो किस राज्य में हुआ है, तो ये हरिपुरा जो है एक्चुअली कहाँ है, तो आंसर है गुजरात में। तो गुजरात में ये हरिपुरा है और हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था। ठीक है, अब इससे जुड़ा कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 52वां अधिवेशन था कांग्रेस का जो कि हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद भी जो नेक्स्ट अधिवेशन 53वां अधिवेशन जो त्रिपुरी में हुआ था उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, 1939 में, और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इसी 1939 वाले अधिवेशन में, मतलब अध्यक्ष चुने जाने के बाद। ठीक है, महात्मा गांधी के विरोध के कारण। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो आंसर है मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। तो ये इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को, और असहयोग आंदोलन जो जिसे लोग असंतुष्ट थे वापस ले लिया था गांधी जी ने, तो जिसके कारण जो है इस दल का जो है स्थापना किया गया था। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं, तो 14 नंबर में एनी बेसेंट द्वारा जो है किस पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो आंसर है हमारा कॉमन बिल। तो कॉमन बिल का जो है इसको प्रकाशित किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और इसके अलावा भी जो है न्यू इंडिया जो है इसका भी प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए हिंदू स्वराज काल और मराठा है, तो जान लीजिए हिंदू स्वराज का जो प्रकाशन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था, और काल जो है काल के जो सं जिसका जो है संपादन जो है परांजपे ने किया था। अब द मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, और ये अंग्रेजी में छपता था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर में जो है हिंदू कॉलेज और एक और है कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना हुआ था 1825 को। ठीक है,
तो 1825 को हुआ था। अब देखिए यहाँ पर शिशिर कुमार घोष हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी जो है कुछ कॉलेज की या कुछ संस्थान का जो है स्थापना किया था। तो देखिए ये जो सर सैयद अहमद खां हैं, तो इन्होंने जो है 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, ठीक है, AMU कहा जाता है। अब देखिए शिशिर कुमार घोष ने जो है, इन्होंने भी जो है शिशिर कुमार घोष ने भी जो 1875 में ही इंडियन लीग की स्थापना किया था। और ठीक है, अब देखिए मदन मोहन मालवीय है, इन्होंने जो है 1915 में हिंदू, एक्चुअली BHU की स्थापना 1916 में किया था इन्होंने, और 1915 में हिंदू महासभा की जो है स्थापना किया था, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो याद रखना होगा BHU की स्थापना, वो भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ही है, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा जो स्थापित किया गया था। अब भाई नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1907 में हुआ था कांग्रेस का सूरत विभाजन, ठीक है। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है चलाने के तरीकों को लेकर जो है कांग्रेस जो है 1907 ईस्वी के जो है सूरत अधिवेशन में, जिसमें कि दो दल, एक गर्म दल और दूसरा जो है नरम दल, दो दलों में विभाजित हो गया था, और लेकिन ठीक है तो बहुत प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि विभाजन तय था इसलिए विभाजित हुआ। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे, हालांकि 1916 में जो है वापस ये जो है संगठन दोनों जो है नरम दल गरम दल जो है वापस मिल गए थे बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। तो अब आइए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा कब किया कि स्वराज जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बहुत फेमस जो है मतलब कोटेशन है और ठीक है कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो आंसर है 1916, ठीक है, 1916 में कहा था इन्होंने, जो है लखनऊ के जो अधिवेशन था लखनऊ में 1916 का, उसी अधिवेशन में इन्होंने ये कहा था। वही नेक्स्ट देखते हैं तो 18 नंबर में है किन, ठीक है, किन प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने भारत विभाजन का जो है विरोध किया था। तो कुछ ऐसे भी मुस्लिम संगठन था जो कि नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन 4 हैं और इसका सही आंसर है इनमें से सभी, तो सभी ने जो है द जमीयत उलेमा हिंद, खुदाई खिदमतगार और मजलिस ए अहरार, ये सभी चाहते थे कि भारत का विभाजन नहीं हो और इन्होंने जो है विरोध किया था। अब ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए तो है यहाँ 19 नंबर में कि हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, आर्मी हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। तो आंसर है चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो 1924 में जो है हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसे हटकर का गठन किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा, और बाद में जो है 1928 में भगत सिंह ने, यहाँ पर जो भगत सिंह है तो भगत सिंह ने 1928 में जो है इसका नाम बदल कर फिर से इसको स्थापित किया था और इसका नाम रख दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है ये जो है चंद्रशेखर आजाद द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं तो 20 नंबर में है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की जो है सामयिक सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है क्या स्थापना कहाँ किया था। तो आंसर है सिंगापुर में, सिंगापुर में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो है स्थापना किया गया था। तो दोस्तों ये थे 20 टॉप जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता से जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर, जो कि बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो मैंने कुछ जो है एक्सप्लेन किया उनसे भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जो है कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। कम से कम 3 लोगों को ज़रूर से शेयर कर दीजिए, और जो है अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।